हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल टेक्निकल मुद्रम पर आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि दोस्तों आपने वीडियो का थंबनेल एंड टाइटल देख लिया होगा, जी हाँ दोस्तों, ये जो अपना ई एला एप्लीकेशन है उसका जो मॉड्यूल नंबर 3 है उसके क्वेश्चन आंसर मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों आपके जितने भी डाउट्स हैं इन क्वेश्चन आंसर को लेकर, वो सारे आज में जो है क्लियर करने वाला हूँ। वो सारे डाउट्स जो है आज आपके क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो में। और दोस्तों आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ कि दोस्तों किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। और दोस्तों तर्क सहित आपको उत्तर आज इस वीडियो में मिलने वाला है। मॉड्यूल नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को जो है ना पूरा देखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। और दोस्तों अगर आपने मॉड्यूल नंबर 1 और मॉड्यूल नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर की वीडियो नहीं देखी है तो उन दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चाहे तो मॉड्यूल नंबर 1 एंड मॉड्यूल नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको जो है ये जो ई एला एप्लीकेशन है उसके मॉड्यूल नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ, यानी कि आपको अच्छे से समझाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। आपके सारे डाउट आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल टेक्निकल मुद्रम पर नए हैं तो दोस्तों मेरे चैनल टेक्निकल मुद्रम को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। क्योंकि मैं इसी प्रकार के ICDS केस ई एला एप्लीकेशन स्टडी रिलेटेड पॉइंट नॉलेजेबल पॉइंट एंड दोस्तों कॉमकेयर LTS आंगनवाड़ी संबंधी न्यूज, इस प्रकार के जो टॉपिक है इन पर जो है मैं वीडियो मेरे चैनल पर लाता ही रहता हूँ। तो दोस्तों अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के वो नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर दीजिएगा। एंड दोस्तों अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो की भावनाओं में खो जाएंगे। तो पहले ही लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा एंड कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जाइए अपनी राय हमें आप शेयर कर सकते हैं, वीडियो को कमेंट कर दीजिए, यानी कि वीडियो में आप जो है कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना उद्गवाए वीडियो स्टार्ट कर ही लेते हैं। तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों जो मॉड्यूल नंबर 3 है उसके क्वेश्चन आंसर मैं आज आपको बताने वाला हूँ, और मॉड्यूल नंबर 1 एंड 2 के जो क्वेश्चन आंसर है उनकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना उद्गवाए वीडियो को स्टार्ट कर ही लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टेक की बात टेक्निकल मधुरम के साथ। फ्रेंड्स, आप जैसे कि अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे ई एला एप्लीकेशन, तो आपको जो है सबसे पहले ई एला एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों मैं कर रहा हूँ तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ मॉड्यूल नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझाऊंगा। एंड जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे को इस प्रकार का जो है इंटरफेस देखा, आपको भी कुछ इसी प्रकार का दिखेगा। तो अभी जो है आज हम बात करने वाले हैं मॉड्यूल नंबर 3 की। तो यहाँ पे आप मॉड्यूल नंबर 3 देख ही पा रहे होंगे। तो मॉड्यूल नंबर 3 पर आपको जो है कैसे क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो आपको जो है मॉड्यूल नंबर 3 के थोड़ा सा नीचे आना है। एंड यहाँ पे आपको गाइस यहाँ पे फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा पाठ्यक्रम देखे, तो फ्रेंड्स आपको इस पर क्लिक कर लेना है पाठ्यक्रम देखे पर। जैसे आप इस पर क्लिक कर लेते हैं तो दोस्तों इस प्रकार से आपको कुछ दिखता है। फर्स्ट आपका जो है फर्स्ट आपका अध्याय आ जाता है मॉड्यूल नंबर 3 का, सामुदायिक कार्यक्रम क्यों आयोजित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका जो मॉड्यूल नंबर 3 है इसका फर्स्ट अध्याय है सामुदायिक कार्यक्रम क्यों आयोजित करते हैं। और दोस्तों अगर आप ये जो अध्याय है इसके बारे में कुछ हिंट जानना चाहते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर के थोड़े हिंट जानना चाहते हैं, तो आप चाहे तो दोस्तों इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में थोड़ा सा ये जो है जानकारी आपको बता देंगे आंसर रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, आपको आसानी से जो क्वेश्चन के जो आंसर होंगे उससे रिलेटेड कुछ हिंट में आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। वैसे दोस्तों मैं आपको वीडियो बता ही रहा हूँ, आपको अच्छे से समझाऊंगा, तो आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो आप जाइए इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में आप सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित करने के उद्देश्य के बारे में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें आप जो है सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित करने के उद्देश्य के बारे में जानेंगे, तो आप चाहे तो देख सकते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से जाइएगा। एंड यहाँ पे हमारा फर्स्ट अध्याय आ जाता है सामुदायिक कार्यक्रम क्यों आयोजित करते हैं, तो आपको सबसे पहले जो है तीर के निशान पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो तीर के निशान पर यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे जैसे मैं तीर के निशान पर क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये क्वेश्चन जो है दो ही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से आप माताओं और परिवारों को विभिन्न विषयों पर परामर्श दे पाती हैं, तो इसका आंसर है दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि सही। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आ जाता है हमारा सही, सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से आप माताओं और परिवारों को विभिन्न विषयों पर परामर्श दे पाती है। जी हाँ दोस्तों, सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से आप माताओं और परिवारों को विभिन्न विषयों पर परामर्श दे पाती है। जी हाँ दोस्तों, ये दे पाती है। तो ये जो है ये जो क्वेश्चन है ये वैसे तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए है। जी हाँ दोस्तों, ये जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता माताओं और परिवारों को विभिन्न विषयों पर जो है परामर्श दे देती है सामुदायिक कार्यक्रम में, तो ये जो है आंसर सही है। तो वैसे
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन, ठीक है। सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से आप माताओं और परिवारों को विभिन्न विषयों पर परामर्श दे पाती है। जी हाँ दोस्तों, ये दे पाती है, सही है। मतलब एक तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से पूछ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे जो है फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है सही वो लगा देना है। तो सेकंड नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, सामुदायिक कार्यक्रम ऐसा सहयोग का वातावरण बनाने में मदद करते हैं जहाँ समुदाय का हर सदस्य दी गई सलाह को व्यवहार में लाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों इसका आंसर भी आपका जो है सही आ जाता है। तो इसका आंसर भी दोस्तों सही है। एंड यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, सामुदायिक कार्यक्रम ऐसा सहयोग का वातावरण बनाने में मदद करते हैं जहाँ समुदाय का हर सदस्य दी गई सलाह को व्यवहार में लाने की कोशिश करता है। तो इसका आंसर दोस्तों आपका सही आ जाता है। एंड दोस्तों आपको जो है दोनों ही क्वेश्चन में फर्स्ट अध्याय के दोनों ही क्वेश्चन में सही ऑप्शन लगा देना है, ये वाला ऑप्शन लगा देना है सही वाला फर्स्ट नंबर का। और आपको जो है फिर उसके बाद यहाँ पे जो परिणाम का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप परिणाम के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों राइट है एंड जो है सेकंड क्वेश्चन भी आपका राइट है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट अध्याय में आपके दोनों ही क्वेश्चन में सही और सेकंड नंबर के क्वेश्चन में भी सही आएगा, दोनों क्वेश्चन में सही आएगा। तो अब आपको जो है अगले अध्याय पर जाए इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे अपन अगले अध्याय पर जाते हैं तो दोस्तों अगला अध्याय आ जाता है हमारा अन्न प्राशन दिवस की तैयारी और आयोजन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अन्न प्राशन दिवस की तैयारी और आयोजन के बारे में कुछ परामर्श संबंधी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चाहे तो आप आसानी से जो है क्वेश्चन आंसर के हिंट आपको इसमें मिल जाएंगे इस वीडियो में, आप चाहे तो देख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। और आपको जो है अब जो है हमारा सेकंड अध्याय आ जाता है अन्नप्राशन दिवस की तैयारी और आयोजन। तो आपको जो है यहाँ पे ये जो तीर का निशान है राइट वाला, जी हाँ दोस्तों ये जो राइट वाला हमारा तीर का निशान है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ऑप्शन आ जाते हैं। तो अब आपको जो है फर्स्ट ऑप्शन मतलब फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। अन्नप्राशन दिवस के दिन माताओं को बच्चों को थोड़ा थोड़ा ऊपरी आहार खिलाने के लिए क्यों बोलना चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि बच्चे पहली बार ऊपरी आहार खा रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर, क्योंकि बच्चे पहली बार ऊपरी आहार खा रहे होते हैं। तो अभी आपको समझाता हूँ, अन्नप्राशन दिवस के दिन माताओं को बच्चों को थोड़ा थोड़ा ऊपरी आहार खिलाने के लिए बोलना चाहिए क्योंकि बच्चे पहली बार जो है ऊपरी आहार खा रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है एंड फर्स्ट वाला गलत है। जी हाँ दोस्तों, आपको फर्स्ट वाला नहीं लगाना है, जो हमारा सेकंड नंबर का ऑप्शन है क्योंकि बच्चे पहली बार ऊपरी आहार खा रहे होते हैं इसको लगा देना है। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, अन्नप्राशन दिवस के दिन आपको क्या करना चाहिए? अभी दोस्तों जो है थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है। अब दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ इसमें। अब दोस्तों ये जो आपको तीन ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें दोस्तों आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं वैसे तो, लेकिन दोस्तों ये जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है उत्सव मनाना ये गलत है, और बाकी ये जो तीनों ऑप्शन है खाना खिलाने का प्रदर्शन ऊपरी आहार कैसे कितनी बार क्या क्या और कितनी मात्रा में खिलाना है इसके बारे में बताना, घर से सभी सदस्यों को ऊपरी आहार के महत्व के बारे में जानकारी देना। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। आप चाहे तो कोई सा भी लगाते हैं, फर्स्ट भी लगा सकते हैं, सेकंड भी लगा सकते हैं, थर्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको फोर्थ नहीं लगाना है, बिल्कुल भी आपको फोर्थ नहीं लगाना है क्योंकि फोर्थ वाला गलत है। तो आप चाहे तो दोस्तों आप अपने हिसाब से जो है चूज़ करके लगा सकते हैं, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इसमें, आप आसानी से कोई सा भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो मैं इसमें कोई सा भी लगाता हूँ, आप बीच का भी लगा सकते हैं यानी कि मिडिल वाला भी लगा सकते हैं, ऊपर वाला भी लगा सकते हैं, नीचे वाला भी लगा सकते हैं, लेकिन इन तीनों में से ही कोई ऑप्शन लगाइएगा। तो अभी मैं बीच वाला लगाता हूँ और यहाँ पे परिणाम पर आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे मैं परिणाम पर क्लिक कर लेता हूँ और दोस्तों हमारे जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये भी दोस्तों जो है हमारा सही है, एंड जो हमारे सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमारे तीनों ही ऑप्शन सही थे। तो आप चाहे तो कोई सा भी ऑप्शन लगा सकते हैं, लेकिन आपको उत्सव मनाना नहीं लगाना है, और बाकी आप इनमें से कोई सा भी ऑप्शन लगा सकते हैं, तीनों कोई सा भी ऑप्शन लगा सकते हैं, फोर्थ वाला मत लगाना। और ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको सेकंड वाला ही लगाना है क्योंकि बच्चे पहली बार ऊपरी आहार खा रहे होते हैं, ये वाला इसका फर्स्ट वाले का आंसर है एंड सेकंड का आंसर, ये तीनों ऑप्शन है जो फर्स्ट वाले हैं और ये वाला नहीं है। तो आपको जो है सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सेकंड में आपको तीनों में से कोई सा भी लगा देना है, सारे सही है, लेकिन आपको फोर्थ नहीं लगाना है। अब दोस्तों अगले अध्याय पर जाते हैं अपन, ठीक है। तो अगले अध्याय पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर अगले अध्याय पर जा रहा हूँ। अगले अध्याय के बारे में अगर आप थोड़ी सी जानकारी जानना चाहते हैं, थोड़ा हिंट विंट, तो आप वीडियो को देख सकते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से जा सकते हैं। तो अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ अन्नप्राशन दिवस के दिन मुख्य संदेश। जी हाँ दोस्तों, तीसरा अध्याय अपना आ जाता है अन्नप्राशन दिवस के दिन मुख्य संदेश। अब मैं दोस्तों यहाँ पे तीर के निशान पर क्लिक कर देता हूँ, जो हमारा राइट वाला तीर का निशान है इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और हमारे क्वेश्चन आ जाएंगे। 6 माह पूरे होने के पश्चात बच्चे की निरंतर वृद्धि के लिए ऊपरी आहार की जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन यानी कि सही। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर जो है सही है। 6 माह पूरे होने के पश्चात बच्चे के निरंतर वृद्धि के लिए ऊपरी आहार की जरूरत होती है। जी हाँ, बच्चे को निरंतर वृद्धि के लिए ऊपरी आहार की जरूरत होती है। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आ जाता है हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही। एंड सेकंड क्वेश्चन में हमारा जो है ऑप्शन आ जाता है, बच्चों के लिए खाना बनाते और खाना
बच्चों के लिए खाना बनाते और खिलाते समय ध्यान रखें। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है स्वच्छता का, विविधता का, दोनों का। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा थर्ड ऑप्शन आ जाता है दोनों का, यानी कि स्वच्छता का भी और विविधता का भी। तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन दोनों का, आपको इस पर टिक कर देना है दोनों के ऊपर और यहाँ परिणाम पर आपको क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे जैसे परिणाम पर क्लिक करता हूँ फ्रेंड्स, इस प्रकार से यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं हमारा ये वाला भी सही है एंड ये वाला भी सही है। तो आपको जो है दोनों आंसर लगा देने हैं। अब दोस्तों मैं अगले अध्याय पर जाता हूँ। जैसे मैं अगले अध्याय पर जाऊँगा तो हमारा लास्ट अध्याय आ जाता है हमारे तीसरे मॉड्यूल का। लास्ट अध्याय दोस्तों फोर्थ अध्याय, कैसे सुनिश्चित करें कि अन्नप्राशन दिवस पर दिए गए संदेश का पालन हो। दोस्तों आप चाहे तो हिंट के लिए वीडियो देख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। एंड मैं अभी जो है यहाँ पे जो तीर का निशान है अपना, इस पर क्लिक कर देता हूँ और जो है क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो यहाँ बढ़ जाते हैं अपन। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, बच्चे और माता को खाना, सॉरी, बच्चे और माता को खाने व खिलाने की आदत पड़ने तक बार बार गृह भेंट करे तथा ऊपरी आहार खिलाने का प्रदर्शन करते हुए परामर्श दे। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाता है हमारा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन सही। जी हाँ दोस्तों ये सही है, यानी दोस्तों बच्चे और माता को खाने व खिलाने की आदत पड़ने तक बार बार गृह भेंट करे तथा ऊपरी आहार खिलाने का प्रदर्शन करते हुए परामर्श दे। जी हाँ दोस्तों इन्हें जो है परामर्श देना चाहिए और जो है इनकी गृह भेंट भी करनी चाहिए। इसका आंसर दोस्तों हमारा फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है सही। जी हाँ दोस्तों ये सही है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे हमारा सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन आता है फोर्थ मॉड्यूल फोर्थ अध्याय का। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि अन्नप्राशन के दिन दी गई जानकारी परिवार उपयोग में ला रहे हैं। तो अभी जो है ये जो सेकेंड हमारा क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाता है सेकेंड ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों इसका आंसर आता है हमारा सेकेंड ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों परिवारों से गृह भेंट करके, यानी कि जी हाँ दोस्तों आप कैसे सुनिश्चित करेंगी, जी हाँ दोस्तों परिवारों से गृह भेंट करके आप सुनिश्चित करेगी कि अन्नप्राशन के दिन दी गई जानकारी परिवार उद्योग उपयोग में ला रहे हैं। यहाँ दोस्तों परिवारों से गृह भेंट करके आप जो है सुनिश्चित करेंगे कि अन्नप्राशन के दिन दी गई जानकारी परिवार उपयोग में ला रहे हैं। तो दोस्तों आपको जो है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड क्वेश्चन में आपको सेकंड ऑप्शन लगा देना है। फर्स्ट क्वेश्चन में सही एंड सेकंड ऑप्शन में परिवार से गृह भेंट करके। तो दोस्तों अब जो है मैं यहाँ पे परिणाम पर क्लिक कर देता हूँ, आपको भी क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं तो दोस्तों हमारे जो है यहाँ पे दोनों ही सही क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों देख सकते हो दोनों ही सही क्वेश्चन है। आपको भी इसी प्रकार से आंसर देना है और मैं जो है अभी अगले अध्याय पर जाए पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे अगले अध्याय पर जाता हूँ और दोस्तों हमारा जो तीसरा नंबर का मॉड्यूल है यहाँ पे ये जो है समाप्त हो चुका है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों अभी कभी मेरे चैनल टेक्निकल मधुरन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी से रिलेटेड, यानी दोस्तों इसी प्रकार के जो अन्य मॉड्यूल बच रहे हैं उनके लिए मैं पार्टिकुलर वीडियो बना के जो है लाता रहूंगा। जी हाँ दोस्तों अभी जो है अगली नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो जो है मॉड्यूल नंबर 4 के ऊपर आएगी। एंड अगर आपने मॉड्यूल नंबर 1 और 2 की वीडियो नहीं देखी तो वीडियो की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फर्स्ट में दे रखी है मैंने। एंड आज जो है हमारा मॉड्यूल नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। एंड अभी जो है मैं यहाँ पे आपको मैंने अच्छे से क्लेरिफाई किया और दोस्तों अगली नेक्स्ट वीडियो हमारी जो है मॉड्यूल नंबर 4 की आएगी। और दोस्तों यहाँ पे मैं बैक आ जाता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मैं बैक आ चुका हूँ और दोस्तों आज मैंने आपको जो है ईला का जो मॉड्यूल नंबर 3 है उसके सारे क्वेश्चन आंसर बता दिए और अच्छे से समझा भी दिए। और अगर आपने मॉड्यूल नंबर 1 और 2 के क्वेश्चन आंसर की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो की जो लिंक है मॉड्यूल नंबर 1 और 2 की, तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है फर्स्ट नंबर पर जो है दोनों वीडियो की लिंक मिल जाएगी। एंड आज की वीडियो थी मॉड्यूल नंबर 3 के ऊपर और अगली नेक्स्ट वीडियो आएगी मॉड्यूल नंबर 4 के ऊपर। और जल्दी जल्दी यार कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं जो है जल्दी से जो है मॉड्यूल नंबर 4 की वीडियो भी ला पाऊँ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों आने वाले जो मॉड्यूल है आगे आने वाले उनके लिए भी मैं अब पार्टिकुलर वीडियो बना के लेके आ ही जाऊँगा आपके लिए। और दोस्तों आपके कमेंट भी आ रहे थे कि अगले जो मॉड्यूल है उनके लिए क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाओ। तो दोस्तों मैंने सोचा कि जो मैं मॉड्यूल नंबर 3 की वीडियो बना ही लेता हूँ, तो मैंने आज बना लिए और नेक्स्ट वीडियो आएगी मॉड्यूल नंबर 4 के ऊपर। तो जल्दी जल्दी यार लाइक एंड कमेंट कीजिए एंड जो है थोड़ा प्रोत्साहन दीजिए और कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो। तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं किसी नए वीडियो में मिलूंगा आपको किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।